हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिस जोन। आज मैं आपके लिए होममेड गुलकंद की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम इंस्टेंटली बना सकते हैं घर पे। इसमें रोज पेटल को सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं इंस्टेंट गुलकंद। गुलकंद बनाने के लिए मैंने रोज पेटल्स लिए हैं। गुलाब की पंखुड़ियों को हम पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब गुलाब की पंखुड़ियों को हम एक पैन में ट्रांसफर कर लेंगे और इसके पानी को हम लो फ्लेम पे अच्छे से सुखा देंगे। अब पानी अच्छे से सूख चुका है, इसमें हम 50 ग्राम के करीब शुगर डालेंगे। अब चीनी को इसमें मेल्ट होने देना है और अच्छे से आपने कुक करना है। आपने ये सारा प्रोसेस जो है लो फ्लेम पर ही करना है, ताकि जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अदरवाइज क्या होगा, आपकी पंखुड़ियाँ अलग रह जाएंगी और चीनी का पानी जो है वो सूख जाएगा। ये देखिए, चीनी मेल्ट हो चुकी है। इसी चाशनी में आपने गुलाब की पंखुड़ियों को अच्छे से पकाना है, वो भी लो फ्लेम पर, ताकि जो चीनी है वो गुलाब की पंखुड़ियाँ अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। ये देखिए, गुलाब की पंखुड़ियों ने अपना कलर छोड़ना शुरू कर दिया है। देखिए पिंकिश सा कलर आया, बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है। गुलाब की पंखुड़ियों को आपने धीरे धीरे प्रेस करते जाना है, ताकि वो चीनी जो है गुलाब की पंखुड़ियों में एब्जॉर्ब होती रहे। ये देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ आपने बिल्कुल वैसा ही करना है। बस गुलकंद को अब हमें इतना ही पकाना है। हम नीचे से गैस ऑफ कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब गुलकंद अच्छे से ठंडी हो चुकी है। इसमें 3 से 4 टेबलस्पून आपने हनी यानी कि शहद डालना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। गुलकंद का इस्तेमाल आप मिठाइयों में भी कर सकते हैं, ठंडाई में भी कर सकते हैं। होली आने वाली है, आप इसका इस्तेमाल ठंडाई में कीजिए, बहुत टेस्टी बनती है ठंडाई से। अगर आपको इंस्टेंट ठंडाई की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं, और उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे आप वॉच कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।